हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। आज के वीडियो में अपन जानेंगे कि कक्षा पहली से आठवीं और कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में जो है किस प्रकार आयोजित की जाएंगी, है ना। आप सभी को पता है कि कोरोना संक्रमण दर जो है छत्तीसगढ़ में लगभग घट चुका है, इसकी रफ्तार जो है कम हो चुकी है और इसकी जो पॉजिटिविटी जो दर है विभिन्न ज़िलों में 4% से कम हो चुका है और गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो है 4% पॉजिटिविटी कम होने पर जो है सभी स्कूल को कलेक्टर आदेश के तहत जो है खोल दिया गया है। अब राजधानी रायपुर की बात करते तो सोमवार से सारे स्कूल जो है लगभग जो है चालू हो चुके, खुल चुके हैं। बच्चों को जो है ऑफलाइन तरीके से जो है स्कूल में ही बुलाकर पढ़ाया जाएगा, है ना। जो उनका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है, चाहे हम बात करते पहली से आठवीं तक की या तो जो है छठवीं मतलब नौवीं से ग्यारहवीं तक की जो पढ़ाई है वो जो है बाधित हुई थी, उसको जो है कंप्लीट कराया जाएगा। साथ में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है स्कूल में ही ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। तो यहाँ पर कक्षा पहली से आठवीं और कक्षा नौवीं ग्यारहवीं की जो परीक्षा है उसे ऑफलाइन तरीके से ही आयोजित कराया जाएगा। इसका जो समय सारणी है बहुत जल्द जो है घोषित किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। विद्यार्थियों का कोर्स जो है पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको ऑफलाइन तरीके से जो है अभी महीना भर बचा हुआ है, फरवरी महीना, इस फरवरी महीने में जो है ऑफलाइन जो है उनको पढ़ाया जाएगा और उसके बाद ही जो है ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यदि बाद में किसी कारणवश कोरोना जो पॉजिटिविटी दर है यदि बढ़ जाता है तो फिर परीक्षा जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि ये लोकल एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता है, इसको अपने को इसको अपने स्कूल में दिलाना होता है। तो परीक्षाएँ जो है संभावित तरीके से अभी जो है ऑफलाइन ही होगा, यानी आपको अपने स्कूल में जाकर परीक्षा दिलाना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नया अपडेट ज़रूर दूंगा दोस्तों, इसका समय सारणी का अपडेट ज़रूर लाऊँगा।